Assalamualaikum and welcome to DIY Cake Series Episode 3. Make sure आपने दो पहले दो episodes में miss नहीं किए, मेरे channel पर आपको वो मिल जाएंगे. इस video में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी delicious black currant mousse cake. Super easy है and it is one of my favorites. सुपर इजी टू इंग्रेडिएंट मूज है, डिलिशियस सॉफ्ट स्पंज है. आप ट्रस्ट मी, अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो ये आपकी फेवरेट बन जाएगी. अगर आप रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि मैं जो बाहर रेस्टोरेंट में चीज़ें खाती हूँ मैं वही रिक्रिएट करती हूँ या फिर अपनी कोई रेसिपी देती हूँ. मेरी बेसिक स्पंज केक की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया. उस रेसिपी को डबल करके मैंने 2 9-inch स्पंजेस बनाए थे. आप चाहे तो बेसिक 2 pounds भी बना सकते हैं. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज का कोई एपिसोड आप मिस ना करें. फॉर मी अ केक डिपेंड्स ऑन 3 things, टेस्ट, लुक एंड बजट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है जो कि फुल चिल्ड है. यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है जो कि ऑफिशियली उसका नाम ही व्हिपिंग क्रीम होता है. मैंने नेस्ले वगैरह नहीं लिया. ये व्हिप कट ये जब आप केक्स बनाते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है. ऑल्सो ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है. फुल चिल करके आपने यूज़ करनी होती है. यहाँ पर ये व्हिप हो गई है और सॉफ्ट पीक्स भी बन गए हैं. अब इस स्टेज पर आकर मैं इसमें डालूँगी ब्लैक करंट जैम. आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं. ये सिंपल 2 ingredient मूज है और ये सुपर डिलिशियस होता है. हाँ, मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो भी चीज़ें रेस्टोरेंट में खाती हूँ या मैं कहीं देखती हूँ मैं उसे रिक्रिएट करती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैंने 3-star बेकरी में खाया था और आज मैं इसे दोबारा रिक्रिएट कर रही हूँ. ये हमारी व्हिप हो गई है. 2 ingredient मूज हमारा रेडी है और ये बहुत डिलिशियस है. अब आते हैं हम अपने केक की तरफ. अगर आप चाहते हैं कि आप इजीली पाइप कर सकें तो इसे पाइपिंग बैग में आप अपनी बटर क्रीम, व्हिपिंग क्रीम, जो भी आपने डेकोरेट करना होता केक को आप पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लिया करें. इससे सुपर इजी हो जाता है केक को क्रम कोट करना. एक टर्निंग टेबल ले लें, उस पर मैंने अपना सर्विंग डिश रख लिया. आप केक बोर्ड भी ले सकते हैं. सबसे पहले उस पर थोड़ा सा ही हमारा मूस लगाएं. पहला स्पंज रखें इसको और हल्के से दबा दें ताकि वो स्टिक हो जाए. इस पर मैं ये नाइफ से इस तरह कर रही हूँ. ऑल्सो अगर आपने पहले 2 episodes से कि आपको पता है मैं ये ज़रूर स्टेप मिस नहीं करती. ये मैंने सिंपल सीरप में ब्लैक करंट जैम 1 tablespoon डाला था. आप अवॉइड भी कर सकते हैं, आप सिंपल सीरप भी यूज़ कर सकते हैं. उसको ऑल अराउंड ऑल ओवर मैंने उसको सोक करवा दिया. ओवर सोक नहीं करना. अब इसके ऊपर हमारा मूस लगाएं. मैं पाइपिंग बैग से लगा रही हूँ ताकि ये हर जगह इवनली लगे. थिक मूस लेयर्स चाहिए मुझे और थिन केक चाहिए क्योंकि ये मूस केक होगा. इसे स्मूथ कर दें. साइज भी आप साथ साथ क्लीन करते जाएं क्योंकि इससे हमारा सर्विंग डिश है. अभी बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट है ये मैं वाइट चॉकलेट चिप्स. आपको यहाँ वियर्ड लग रहा होगा लेकिन ट्रस्ट में अगर आप खाएंगे तो पता चलेगा ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं. सेकंड स्पंज ले रखे हैं, उससे भी सेम प्रोसेस रिपीट करें. साइड्स क्लीन करते थे. अब इसके ऊपर मैं ह्यूज अमाउंट ऑफ हमारा मूस डाल रही हूँ और मैं इसको स्लाइटली पुश करूँगी ताकि वो साइड से थोड़ा कॉर्नर से नीचे जाए और मैं साइड्स पर भी अच्छी तरीके से लगा सकूँ. ये व्हिपिंग क्रीम की कंसिस्टेंसी बहुत लाइट होती है, फ्लफ़ी होती है, तो इसको आप क्रम कोट करने में आसानी होगी. बिगनर्स जो हैं वो व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं. बटर क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है क्रम कोट करना है, लेकिन ये बहुत ईजी होती है. इसको बहुत हल्के हाथों से पुश कर रही हूँ. इवनली हर जगह मैंने लगानी है. मैंने हर जगह लगा लिया. अब मैं इसको नीट करती जाऊँगी. साथ साथ जो एक्सेस क्रीम लगी हुई है वो मैंने उतार देनी है.
इसी तरीके से जो गैप्स हैं, जो ये लाइंस आ रही हैं, क्रीज टाइप बन रही है, उसको फिल करके मैं दोबारा नीट करती जाऊंगी। ये नीटनेस हमारी इसी तरीके से आती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बस आपने गैप्स फिल करते जाना है और साथ साथ नीट करते जाना है, एक्सेस उतारते जाना है। एक राउंड कोट करने के बाद मैं इसको फुल चिल करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि हमारी क्रीम सेट हो जाए। ये क्रीज है यहाँ पर, ये भी मैंने गैप फिल कर दिया। इसी तरीके से मैं बाकी भी गैप्स फिल करके नीट कर दूंगी। टॉप भी आपने क्लियर कर लेना है, साइड्स भी आपकी शार्प साइड्स होनी चाहिए। यहाँ पे आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनीवे हमने इसके ऊपर हमारी ब्लैक करंट जैम की सॉस डाल दी है। उसके बाद आप इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये जैम मैंने हीट किया था ताकि उसके अंदर जो गल्प्स बने होते हैं वो मेल्ट हो जाएं, और उसके हीट करने के बाद मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी डाला है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जब ये ठंडा हो बिल्कुल थिक ना हो जाए। अब फुल ठंडा करने के बाद मैं इसको पूरा केक के ऊपर फैला दूंगी। यहाँ पे अगर आपको मैसी भी लग रहा है इट्स ओके, आप बस फैला दें इसके ऊपर क्योंकि हमने बाद में कॉर्नर्स कवर कर देने। ये टोटली ऑप्शनल है, आपने आपको इतना जाम नहीं पसंद तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर वाइट चॉकलेट चिप्स भी डाल दिए थे और मैं साइड से वाइट कलर के व्हिपिंग क्रीम मैंने बीट किया और उससे ब्रेड टाइप रोजेट्स बना रही हूँ। क्लियरली देख लें, सुपर इजी है, मैं कॉर्नर्स पे बना रही हूँ। ये ख्याल रखना है कि सिंपल हर एक हमारा कॉर्नर पर हो, इससे हमारा डिज़ाइन जो है वो इवन बनेगा। ये 1 mm स्टार नोजल है, इसी तरह मैं बॉटम पे भी यही डिज़ाइन बना रही हूँ मोर टेम्पटिंग लुक देने के लिए। बहुत एलिगेंट और प्यारा लगता है। एंड दैट्स इट, मैंने 1 mm स्टार नोजल यूज़ की थी, आप भी वही यूज़ करें। ये हमारा ब्लैक करंट मूस केक रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, प्लीज़ ट्राई करें, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं क्योंकि ये सुपर ईजी है और सुपर डिलिशस है। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।